वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चुनाव सर पर है, इस बार की सियासी बिसात पर शायर भी हैं और कुछ एक किसान नेता भी, और भाईजान ने भी एंट्री मार ली है। और इसी गर्मी में कथित रूप से वामपंथियों के फेवरेट मुनव्वर राणा ने ओवैसी को लेकर जो बात कही है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ओवैसी इन दिनों यूपी की गलियों में छाए हुए हैं और ओवैसी के आने से सियासी दलों की टेंशन भी बढ़ चुकी है और इन्हें सबको लेकर अब मुनव्वर राणा भी मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल शायर मुनव्वर राणा ने पहले तो योगी सरकार को लेकर नाराजगी दिखाई। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विशेष धर्म समुदाय के साथ हुई मारपीट के कई मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे वीडियोस देखकर मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। बता दें कि मुनव्वर राणा एक चैनल से बातचीत के दौरान ये सब कह रहे थे। वहीं एक सवाल के जवाब में एंकर से पूछने लगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करेंगे। मुनव्वर राणा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि तालिबान के मुद्दे पर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, उसी दौरान एक कानपुर वाला सीन याद आया जहां पर एक बच्ची अपने पिता से लिपट कर रो रही थी लेकिन लोग उसके पिता को मार रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सबको आंखें दी हैं, सबके पास आंखें हैं, और आंखें ना हो तो आज के इस दौर में चश्मे भी हैं, सभी लोग देख रहे होंगे। जिसके बाद मुनव्वर राणा ने कहा कि आप अब बताइए कि मैं इस तस्वीर को देखकर कैसे किसी की तारीफ करूं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं उनकी तारीफ। उनके इस जवाब पर एंकर ने उनसे तपा से सवाल पूछा कि साल 2014 से पहले क्या इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं हुए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस समय इस देश में मुसलमानों के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। इसके जवाब में मुनव्वर राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि आपकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुनव्वर राणा ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीरी कौम को कहा था बदजात। उसी जमाने में औरंगजेब ने हैदराबाद को लेकर कहा था कि ला एतबार, एतबार के काबिल नहीं है। यानी कि उन्होंने इस बात में यह भी कहा था कि एक बादशाह ने कहा कि अब लोग उसे कातिल माने या कुछ भी। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया तो फिर अब कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या कश्मीरी पंडित अपनी बहू बेटियों की शादी हमारे यहाँ कराते हैं, लेकिन नहीं, वो डरते हैं कि हम लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। मुनव्वर ने आगे असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हुए कहा कि क्या वो अपने लड़की की शादी मेरे लड़के से कराएंगे या हमारी लड़की की शादी अपने लड़कों से करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनसे हमारा इतना ही ताल्लुक है जितना टेलीफोन पर कोई ब्लू फिल्म चलती है और इस औरत से हमारा ताल्लुक होता है। मुनव्वर राणा ये सब बोल रहे थे। कमाल की बात तो यह है कि मुनव्वर को यूपी में हो रहे एनकाउंटर तालिबानी शासन की तरह नजर आते हैं और साथ ही पालघर में हुए साधु की हत्या कुछ नहीं। वहीं मुंबई में शिव सैनिक घर में घुसकर एक रिटायर्ड नेवी अफसर को पीट आते हैं और ऐसी कई कहानियां जो शायद मुनव्वर ने अपने चश्मे से नहीं देखी होंगी। और अब तो ओवैसी से संबंध बनाने की बात भी कह रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।